Welcome to Infant India's Education World. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रियाजी और आज हम सीखेंगे सिफर मिलाना। बच्चों, हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि जमा किस तरह करते हैं, 2 + 2 = 4। तो इसी तरह आज हम ये सीखेंगे कि सिफर कैसे मिलाएंगे, हम किसी भी अदद में सिफर किस तरह मिलाएंगे और जब अगर हम सिफर मिलाते हैं तो बराबर की तरफ क्या जवाब आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ तस्वीरें दी गई हैं। सबसे पहले जो है, एक लाइन में 3 प्लेट है, एक प्लेट में 2 संतरे हैं, उसके बाद दूसरा प्लेट जो है वो खाली है और उसके बाद तीसरे प्लेट में भी 2 संतरे हैं। अब उसके नीचे चौकोर में देखिए, आपको नज़र आ रहा है 2 संतरे का 2 लिखा हुआ है, जमा कुछ नहीं है तो सिफर। जब हम गिनती सीख रहे थे बच्चों तो हमने देखा था ना कि सिफर का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो जब वहाँ पे संतरा 1 भी नहीं है, प्लेट खाली है, तो वहाँ पर है सिफर। तो 2 + 0 = क्या हुआ 2। 2 + 0 = क्या हुआ बच्चों, 2 हुआ। तो आपको समझ में आया, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर हम किसी अदद में सिफर मिलाएंगे तो वही अदद हमें जवाब में भी मिलेगा, जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब उसके नीचे है 3, कितने संतरे हैं, 3। 3 + 0 = क्या जवाब आएगा बच्चों, गुड, 3। अगर हम किसी भी अदद में सिफर मिलाएंगे तो हमें वही अदद जवाब में मिलेगा, जवाब में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप अपनी वर्क बुक में क्या करेंगे, यहाँ इस प्लेट के पास 3 संतरे बनाएंगे और नीचे बॉक्स में चौकोर में क्या लिखेंगे, 3। बिल्कुल इसी तरह अब नीचे आएंगे, 1 संतरा है तो खाली चौकोर में 1 लिखा है, 1 + 0 = क्या होगा 1। तो इसी तरह आप जमा करेंगे सिफर को और जो जवाब आएगा उस प्लेट में उतने संतरे बनाएंगे और नीचे के चौकोर में अदद लिखेंगे। समझ में आया बच्चों, गुड। अब उसके आगे देखेंगे, यहाँ पर है आओ जमा की मश्क करें। क्या करना है हमें, जमा की मश्क करना है। दाएं तरफ एक चौकोर है और बाएं तरफ एक चौकोर है और उसमें कुछ सवालात दिए गए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर 5 + 4 = 7। अब यहाँ पे हमें क्या शामिल करना है, यहाँ पर हमें कोई ऐसा अदद लेना है जिसको बराबर करने के बाद 7 जवाब आए। ऐसे अदद को 5 में मिलाना है कि बराबर के बाद जवाब क्या आना चाहिए, 7। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, 5 + 7। तो अब जमा क्या करेंगे इसमें हम, 2। क्या जमा करेंगे, 2। 5 + 2 = कितने हो जाएंगे, गिनो बेटा आप, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, दोनों मिला दिए तो क्या हो जाएंगे, 7। 5 + 2 = 7। उसके नीचे है 8 + 4 = 9। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम, 8 में क्या मिलाना है कि 9 हो जाएगा जवाब। तो हम क्या करेंगे, 8 + 1, क्या करेंगे, 8 + 1 = 9। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल इसी तरह उसके नीचे जो सवालात दिए गए हैं वो आप मुकम्मल करेंगे। 2 + 4 = 5, क्या करेंगे हम, क्या मिलाएंगे 2 में कि जवाब 5 आएगा, गुड। 2 में हम मिलाएंगे 3 तो जवाब क्या आएगा, 5। 2 + 3 = 5। समझ में आया बच्चों। उसके बाद है 4 + 4 = 8, यानी डैश है, डैश + डैश = 8। तो अब क्या करेंगे कि, तो ये बहुत सारे यहाँ पे हम कर सकते हैं, 4 + 4 = 8, 5 + 3 = 8, 6 + 2 = 8। समझ में आया बच्चों, इस तरह हम इस 2 चौकोर में 5 + 3, 6 + 2, 4 + 4, इन तीनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, तीनों का जवाब बराबर 8 ही आएगा। समझ में आया बच्चों, कितना आसान है ये। उसके बाद जो बाएं तरफ चौकोर है तो
ये आप मुकम्मल करेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 4 जमा 1 बराबर कितना होगा? 5। 3 जमा 5 बराबर कितना होगा? 8। उसके नीचे है 7 जमा 0 कितना जवाब आएगा बच्चों? 7। कुछ फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि 7 में 0 को मिला रहे हैं, वहाँ पर कोई अदद नहीं दिया गया है, 0 है, इसलिए जवाब 7 ही आएगा। उसके बाद है 6 जमा 2 क्या जवाब आएगा? 8। 6 जमा 2 बराबर 8। तो आप अपनी वर्कबुक में इस खाली चौकोन में मुनासिब अदद लिखेंगे और ये खाली जगह पुर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। Please subscribe the channel and press the bell icon.